ओमिशन ऑफ आर्टिकल बच्चों को दिक्कत करता है, तो ये पार्ट बच्चों के लाइव करवा दे रहा हूँ ताकि उनको दिक्कत ना हो, है ना। आज निपटा दूंगा, चाहे टाइम 8 क्यों ना बच जाए, निपट जाएगा, थोड़ा सा लेवल में आ जाएंगे, ठीक है ना। हो गया, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग बच्चे क्या करेंगे कि आज आर्टिकल का पार्ट 2 आपको दूंगा, जिसका नाम है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल जो टॉपिक है, आर्टिकल का जो हम लोगों ने एक लाइव किया था पार्ट 1, जिसमें हमने एक बेस बनाया था, बीच के पार्ट को हम लोगों ने नहीं किया। यहाँ पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे ये जानने का प्रयास करें कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल लगाते कहाँ हैं, अब पढ़ना है कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते, मतलब क्या पढ़ना है से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, मतलब क्या आप पढ़ रहे हो से ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे क्या होता है समटाइम्स कि हम लोग कुछ किताब सब पढ़े रहे होते हैं और गुरुजी आते हैं बताते हैं कि अरे तुम क्या पढ़ रहे हो, ये तो पढ़ना ही नहीं था, तो दिल को बड़ा शांति मिलती है कि अच्छा नहीं पढ़ना था, हमें वजह पढ़ रहे हैं इसको। तो यहाँ पे ओमिशन जो है, ये वर्ड है ओमिट, ओमिट का मतलब मिटाना, हटाना, यानी आर्टिकल कहाँ से हटाएंगे वो हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जो हम देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होता है, आर्टिकल का मेजर पार्ट यही है, बच्चे समझ नहीं पाते और क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। देखने का प्रयास करते हैं कैसे सोल्व किया जाए इसे। तो सबसे पहले 3-4 क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए क्वेश्चन, फिर हम लोग रूल पढ़ेंगे। ईच अ बॉय एंड Each girl, each a boy and each a girl is going to cinema. Each a boy and girl is going to cinema. Each a boy and girl is going to cinema. Clear? दूसरा example दिया हमने. This is my a book, ठीक है। तीसरा दिया हमने, either a girl is ready to do this work, either a girl is ready to do this work, either a girl is ready to do this work, clear। 3 examples we have। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको स्लैश कर दूँ कि यहाँ पे स्लैश ऐसा कर दिया बोल दिया नो एरर, यहाँ भी स्लैश कर दिया बोल दिया नो एरर, यहाँ भी कर दिया इस तरह से और लास्ट बोल दिया नो एरर, तो यहाँ पे मुद्दा क्या होगा, बच्चा सोचता है कि ईच अ बॉय है एंड ईच अ गर्ल होना चाहिए, राइट। तो बच्चे का कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये सोचता है कि ईच अ बॉय एंड ईच अ गर्ल, तो सेकंड पार्ट में आंसर मार देगा वो, जबकि ऐसी बात नहीं। कॉन्सेप्ट इसका कहता है कि ईच के साथ यहाँ पे ए बॉय नहीं होगा। दूसरा ध्यान दो, अभी क्यों होगा बताऊंगा अभी। तो दिस इज माई या बुक, तो माई के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तीसरा सेंटेंस आइदर, अगर आइदर के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आंसर लोग सोचते हैं कि ईच अ गर्ल है, आइदर अ गर्ल चलेगा, तो लोग इसको मार देंगे नो एरर, जबकि गलतियाँ इसमें है, आइदर के बीच में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखते हैं गौर से, मिटाओ इसको। हमने कहा ईच अ बॉय एंड ईच गर्ल, तो लोग सोचेंगे ईच ए गर्ल कर दूं, जैसे ईच अ बॉय है ईच ए गर्ल कर दूं तो लगता है सही हो जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। ईच एवरी इधर नीदर, ये सबको बोलते हैं पजेसिव। अभी बताता हूँ, जस्ट मिटाओ इसको, आंसर समझ में आ गया क्या होगा। तो आंसर होगा कि इन सब के बाद आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कहाँ नहीं लगाएंगे, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे वर्ड कुछ ध्यान रखना, माई आवर योर हीज हर डियर, ठीक है। और वर्ड देखो,
ईच एवरी इधर नेदर नो। कई बार क्वेश्चन नो से पूछा है, नो ए बॉय, अब नो के साथ ए बॉय कभी नहीं होगा। ध्यान देना गौर से, इन सारे शब्दों के बाद बीच में क्या आ सकता है वो जानिए। इन सब के बाद नाउन आएगा, कब? जब इनका नाम ए पोजेशन है, यानी कि अधिकार दिखा रहा है। हमने बोला कि यहाँ पे ध्यान दो, माई पेन, माई पेन, तो माई के साथ क्या लगाया बच्चे, माई पेन, माई पेन, यानी माई का अधिकार किस पे है, पेन पे। यानी अधिकार हमेशा अपने पोजेशन को दिखाता है, यानी पास जो नज़दीक है उसको दिखाता है। बीच में अगर आर्टिकल लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, माई या पेन नहीं होगा कभी। दूसरी कंसेप्ट यहाँ पे देखो, इन सारे शब्दों के बाद अगर नाउन का प्रयोग हो तो बीच में कभी भी आर्टिकल नहीं आता, नो आर्टिकल, बीच में कभी आर्टिकल नहीं होता। जैसे यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति बोल दे कि नो अ मैन, नो अ मैन, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ कभी भी बीच में आर्टिकल नहीं आएगा। तो नो मैन सीधा क्या बोलना है, नो मैन, नो ए मैन नहीं, नो एन मैन नहीं, ये नो मैन। चूँकि जितने भी वर्ड हैं, माई बुक, डियर बुक, ये सब पजेसिव वर्ड हैं, अधिकार दिखलाते हैं। अब ईच एवरी आइदर नाइदर, ये चार वर्ड जो है इसको कहते हैं एडजेक्टिव, और साथ साथ प्रोनाउन भी। इसका नाम होता है ईच एवरी इधर नीदर, ये क्या है बेटा, प्रोनाउन भी और एडजेक्टिव भी है। जब प्रोनाउन होगा तो ये अकेले यूज होगा बिना नाउन का, और जब एडजेक्टिव होगा तो नाउन के साथ होगा। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, आई एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, बस मेरे तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो एवरी ए बॉय नहीं, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, बीच में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखना है और कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है, दोनों का। अंग्रेजी में दो ही चीज़ होता है, एक फैक्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, रूल नाम का कोई चीज़ नहीं होता। फैक्ट है ये, कॉन्सेप्ट कहता है कि इसके बाद नाउन लगाइए, बीच में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। तो बोलो ईच अ बॉय होगा क्या, दिस इज माई अ पेन होगा क्या। अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर टू, क्वेश्चन लिखिए आई डोंट लाइक, अगले कॉन्सेप्ट के लिए आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अमेन, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अमेन, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अमेन। दूसरा आई डोंट like this kind of man, I don't like this kind of man. Two examples we have, I don't like this kind of a man, I don't like this kind of man. जरा दिमाग पे जोर डालिए और सोचने का प्रयास करें कि आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ए मैन सही है या आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन सही है, विच वन इज राइट। अब तुम लोग बहुत चालाक हो, क्यों? तुम लोग सोच रहे हो कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल है, टॉपिक का नाम ही है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल जो नहीं लगा वही तो राइट होगा, ये नहीं सोच रहे हो? बिल्कुल सही सोच है, ये ऊपर वाला गलत है, ये तुम्हारा राइट है। कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, लिख लो इसको, यानी काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, ध्यान दें बच्चे, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, लिखिए। कॉन्सेप्ट नंबर टू है आपका, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ, एस ओ आर टी, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, वी ए आर आई टी वाई, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, आर ए एन के रैंक ऑफ, पी ओ एस टी, पोस्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजिशन ऑफ, पोजिशन ऑफ, नंबर ऑफ, एन यू एम बी आर, नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, पी एल ई एन टी वाई, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ठीक है, प्लेंटी ऑफ के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते।
इस तरह के वर्ड आपने लिखे होंगे। इन सब के बाद अगर नाउन का प्रयोग किया गया हो तो बीच में आर्टिकल नहीं लगाएंगे बच्चे, बीच में आर्टिकल नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल। बीच में आर्टिकल नहीं लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम है बोलो। तो टाइप ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद अगर नाउन का प्रयोग हो तो बीच में नो आर्टिकल, ए फैक्ट हो गया। क्लियर है? कुछ बड़ा कष्ट तो नहीं ना? आगे बढ़े, फास्ट तो नहीं हूं ना? आसान है, ये मत सोचना कि सर फास्ट है, ठीक है। अब देखो तीन वर्ड में ले रहा हूं, क्या क्या, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ का प्रयोग अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करें तो आर्टिकल ए एन आ सकता है। तो पहले एग्जांपल लिखो तब रू लिखवा दूंगा, पहले एग्जांपल लिख लो। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक, what kind of dress do you like। दूसरा लिखो, what kind of a dress do you like। बताओ जरा, फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट? कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया था कि अगर इंट्रोगेटिव हो तो उसके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग हो सकता है। लिख लो कॉन्सेप्ट, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद एन का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। के बाद ए एन का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। के बाद ए एन का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। के बाद ए एन का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अगला कॉन्सेप्ट के लिए फिर से क्वेश्चन देखो बोर्ड पे। आई केम हेयर बाय द बस, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से कोई दिक्कत नहीं। आई केम हेयर द बस। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी बाय, ऑप्शन डी विद, ठीक है। दूसरा, फर्स्ट हो गया, सेकंड आई केम हेयर बस। ऑप्शन ए बाय, ऑप्शन बी सेम, ऑप्शन इन दोनों का ऑप्शन सेम। एग्जाम्पल अंतर है, ऑप्शन सेम दिया हूं आपको, ठीक है बच्चे। एग्जाम्पल सेम, ऑप्शन बस अंतर देखो, एग्जाम्पल अंतर है और ऑप्शन सेम। अब जो हाथ उठाइए, फर्स्ट में कितने बच्चे आंसर ए चाहते हो, कितने बच्चे बी चाहते हो, सी, डी। अब जो बच्चा कंफ्यूज है वो हाथ नहीं उठाया, ये पता नहीं यार है तो बस ही दोनों में, बस यहाँ दर लगा नहीं लगा, तो ये मामला क्या हो रहा है? ध्यान दो, पहले ऑप्शन में कितने बच्चे बाई चाहते हो, इतने सारे। बेटा यहाँ पे बाई आंसर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा इन द बस।
अभी डिस्कस करते हैं क्यों। दूसरा आई केम हियर, यहाँ पे आंसर क्या होगा बाय बस, यानी यहाँ पे लेगा बाय बस, यहाँ पे लेगा इन द बस। क्या भाई क्या अंतर हो गया, ये भी बस ये भी बस है, यहाँ बाय लगा यहाँ इन क्यों लगा, ध्यान देना इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, ध्यान दो। कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा बाय के साथ अगर नाउन लगाया है, बाय के साथ क्या लगाया नाउन, लेकिन नाउन कौन सा, ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल, यानी जो नाउन है वो कौन सा नाउन है बच्चे, ट्रांसपोर्ट वाला नाउन है, मतलब आवागमन वाला नाउन है, तो बीच में कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे जो आर्टिकल है नो आर्टिकल। इस कंसेप्ट को याद रखिए, आप पढ़ते हो अंग्रेजी लेकिन कंसेप्ट पे काम करना है, एक ही क्वेश्चन बने इन कॉन्फिडेंस के साथ। तो बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नाउन हो तो बीच में कभी भी आर्टिकल नहीं आता, इसलिए आई केम हियर बाय या बस बोल देते हैं कॉमन, बाय द बस बोल देते हैं कॉमन, लेकिन बाय द बस बाय या बस नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट था, याद हो गया आजीवन के लिए। अब यहाँ इन क्यों लगाया, तो आई केम हियर द बस, अब इस द को हम हटा सकते हैं, बोलो ये तो पहले से प्रिंट किया हुआ है, हम फिल इन द ब्लैंक्स में लगाना है, क्या लगाना है सो, तो फिल इन द ब्लैंक्स से बाय नहीं आएगा क्योंकि द लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि जब द लगाया तो बाय नहीं आएगा, तो यहाँ पे ऑन चढ़ के बस के अंदर तो बैठ के आए होंगे, क्या हो जाए इन द बस, क्लियर। ये तो प्रीपोजिशन बाद में पढ़ाऊंगा, नहीं फिलहाल आर्टिकल की बात करें तो नो आर्टिकल, कोई दिक्कत भी किसी को, आगे बढ़े अगला कॉन्सेप्ट मैं डाउन फाइन। इस तरह से तो बाई के साथ अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो तो बीच में कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते। अगला कॉन्सेप्ट के लिए फिर से क्वेश्चन प्लीज टेल अस, प्लीज टेल अस इन डिटेल, प्लीज टेल अस इन डिटेल। दूसरा प्लीज टेल अस इन अ डिटेल। तीसरा प्लीज टेल अस, साथ साथ करो, प्लीज टेल अस इन द या इन डिटेल्स, डिटेल्स ठीक है। थ्री एग्जाम्पल्स राइट डाउन फास्ट, ये तीन एग्जाम्पल दिया गया आपको, फटाफट जरा हाथ उठाइए इस पे और जा देखिए क्या होगा। देख लिया, अब जरा बताइए फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो थर्ड एग्जाम्पल तुम्हारा गलत है, सेकंड एग्जाम्पल बीच में आर्टिकल आ गया ये भी गलत है, फर्स्ट इज राइट। अब एक कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना, आपके पास आर्टिकल का बुक होगा, साथ साथ लाते हो ना बच्चे, ये आर्टिकल का बुक लाते हो ना साथ साथ, ये आर्टिकल प्रोनाउन का बुक है, सारे बुक्स लेकर के आने, हाँ यस। अब जितना चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ सब आपके बुक्स में होगा, तो ध्यान के रखना है, हमने कहा प्लीज टेल अस इन डिटेल, इन डिटेल एक फ्रेजल है, यानी आजकल के बदलते हुए पैटर्न, आपके एसएससी में एसएससी का वैकेंसी आ गया है राइट, तो वैकेंसी आ गया तो आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, ये नहीं कि आप घर पे सोना नहीं, तो तैयारी स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, तो आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो कोई भी चैप्टर आर्टिकल, उससे संबंधित 500 क्वेश्चन 500 मिनिमम क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, और 500 क्वेश्चन बनेंगे तब आप उस चैप्टर पे मास्टरी होगी आपकी। तो एक चैप्टर करो और उसे 500 क्वेश्चन बनाओ, चाहे वो नाउन हो प्रोनाउन हो, और हर चैप्टर पे, तो जितने भी चैप्टर्स मान लो 12 चैप्टर हैं तो कम से कम 6000 क्वेश्चन बनने चाहिए। उसके साथ फिर मैं आपको कराऊंगा पूरा मिसलेनियस कि पूरे से एरर कैसे होगा, उसके साथ साथ अलग से क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा, तो वो पार्ट आपको अगर जल्दी है तो एक साथ दो बैचेस करने चाहिए, अगर आपको बेसिक पुअर है तो एक बैच आराम से करना चाहिए। और ये बुक इसलिए कहता हूँ लाने के लिए कि इसमें जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं जो भी लिस्ट दिए गए हैं इसको साथ साथ याद भी करना है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखा इन डिटेल, तो क्या है कुछ फ्रेजल ऐसे होते हैं जिनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी बीच में आर्टिकल नहीं लगा सकते, क्लियर। जैसे इन डिटेल है, इन ट्रबल है, इन डायलेमा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कभी भी इन कन्फ्यूजन होता है, इन ट्रबल होता है, तो जो दो चार वर्ड लिख लो, बाकी बुक से पढ़ लेना, हम लोग लिख लो लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर फ्रेज
यहाँ वर्ड कर दो इन डिटेल, इन फैक्ट, इन डिटेल, इन फैक्ट, इन कन्फ्यूजन, इन कन्फ्यूजन, इन टाइम, इन टाइम, ऑन टाइम, इन टाइम, ऑन टाइम, ईटीसी कर दो, इन टाइम, ऑन टाइम, ईटीसी, क्लियर। इन सारे शब्दों के साथ बीच में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे मान लो किसी ने कहा वी शुड कम इन अ टाइम, गलत हो जाएगा ना, है ना जी। द ट्रेन स्टार्ट्स ऑन अ टाइम, गलत हो जाएगा, ऑन टाइम। वी शुड कम इन टाइम, ऑन अ टाइम, इन अ टाइम नहीं होता। तो ये सब फैक्चुअल है जिसको दिमाग में रखना पड़ेगा, कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। जितना भी एरर पढ़ाऊं, एरर तभी बनेगा जब कुछ फैक्ट दिमाग में रहेगा। इसलिए कुछ चीज़ें पढ़नी भी पड़ती हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट, और इसके लिए दो तीन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और बहुत ही आसान एग्जाम्पल, लिखिए फटाफट एग्जाम्पल, लिखिए लिखिए वी इट, वी इट, वी ईट अ ब्रेड, वी ईट अ ब्रेड, वी ईट अ ब्रेड, ब्रेड खाते हो ना ब्रेड। दूसरा लिखो, आई हैव गिवेन यू एडवाइस, आई हैव गिवेन यू एन कर देना एन एडवाइस, आई हैव गिवेन यू एन एडवाइस, आई हैव गिवेन यू एन एडवाइस, आई हैव गिवेन यू एन एडवाइस, ये रूल आपको नाम में पाया होगा। दूसरा लिखो, I have given you a piece of advice. 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 Last example. We eat a loaf of bread. We eat a loaf of bread. We eat a loaf of bread. L-O-A-F. We eat a loaf of bread. कितने हो गए? चार। हाथ उठाइए। First right में कितने लोग? First right, second right, third right, last right. बहुत बढ़िया तैयारी चल रहा है इस मैच का। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, third और fourth is right. कि नाउन में पढ़ाया होगा आपको रूल, एक कॉन्सेप्ट दिया होगा नाउन में कि बेटा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जन्म से ही अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे ब्रेड है, और हमने कहा था ज़्यादातर मेटेरियल नाउन होते हैं जिसको हम यूज़ कर लेते हैं, राइट। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं फैक्चुअल जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, तो वर्ड का लिस्ट हमने दिया था वहाँ, यहाँ भी मैं लिस्ट दे रहा हूँ कुछ एक जो बचा हुआ पार्ट होगा, जैसे एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन है, ब्रेड है, शॉप है, ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ ना तो आर्टिकल आता है और ना ही इनका बनाते हैं सिंगुलर, ना तो एडवाइस का एडवाइसेज करेंगे, एडवाइस का एडवाइसेज करेंगे तो हो जाएगा सूचनाएं, ब्रेड का ब्रेड्स करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्लियर। तो ये फैक्ट लिखवा चुका हूं, फिर भी मैं दो चार वर्ड दे दे रहा हूं, लिख लीजिए, लिखे फटाफट। हेल्थ, इसका कॉन्सेप्ट लिखिए, हेल्थ वेल्थ, हेल्थ कॉमा वेल्थ कॉमा शोप, एस ओ ए पी शोप, कॉमा एडवाइस, ए डी वी आई सी एडवाइस, ठीक है, एडवाइस, ई टी सी, ई टी सी आर कंसिडर्ड एज, ई टी सी आर कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन, ई टी सी मतलब नाउन से पढ़ लेना है, इट इज यार कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन, इट इज यार कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन, सो नो आर्टिकल, सो नो आर्टिकल शुड बी यूज, सो नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर इट, सो नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर इट, सो नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर इट। एंड इन सब के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इन सब के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बोलो कोई दिक्कत है बच्चे? नहीं ना। अब एक कॉन्सेप्ट और दे रहा हूँ, अगला कॉन्सेप्ट, यहाँ तक समझ में आ गया कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट क्या है वो समझना कोर्स। मुझे ये बताओ
अगर मैं एक वर्ड बोलूं कंट्री और एक वर्ड बोलूं इंडिया, एक बोला कंट्री एक बोला इंडिया, बोलो कंट्री कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। इंडिया कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। अब हमने नाउन में पाया होगा, हमें लिखा द इंडिया, राइट और रॉन्ग? द कंट्री, राइट और रॉन्ग? ध्यान देना, यानी अगर किसी भी चीज प्लेस का नाम हो तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर वही चीज़ कॉमन नाउन हो तो आर्टिकल प्रयोग करते हैं। अब बोलो मोहल्ला कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन? नेहरू विहार, गांधी विहार, प्रॉपर नाउन। मुखर्जी नगर, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगते, यानी हम लोग कॉन्सेप्ट बना सकते हैं ऐसे कि नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम, द नेम ऑफ कंट्री, द नेम ऑफ कंट्री, द नेम ऑफ मोहल्ला, द नेम ऑफ विलेज, द नेम ऑफ सिटी, द नेम ऑफ स्टेट, इन सब का अगर नाम हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि बन जाता है क्या? प्रॉपर नाउन। जैसे बिहार, अब बोलो बिहार प्रॉपर है कॉमन है? तो बोलो द बिहार होगा, लेकिन स्टेट कॉमन की प्रॉपर, कॉमन की प्रॉपर, तो यहाँ द स्टेट होगा कि नहीं होगा बोलो? यानी कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल आता है, ये आपको नाउन में ही पढ़ाया होगा। तो कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल होता है, प्रॉपर के पहले आर्टिकल नहीं होता। लेकिन ये कंसेप्ट लिखना जरूरी है ना, लिख लो। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मोहल्ला, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, टाउन, सिटी। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम, नेम पे ध्यान देना है, बिफोर द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, बिफोर द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, सिटी, स्टेट। मोहल्ला, विलेज, सिटी, स्टेट, कंट्री, मोहल्ला, विलेज, स्टेट, सिटी, कंट्री, ETC, इन सारे शब्दों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। कब? नेम ऑफ मोहल्ला, मोहल्ला का नाम होगा। जैसे हमने कहा नेहरू विहार, नेहरू विहार, तो यहाँ पे द का प्रयोग करना गलत होगा, क्योंकि नेहरू विहार मोहल्ला का नाम है, लेकिन ये क्या है? प्रॉपर नाउन। इसका मतलब अगर मोहल्ला वर्ड हो जाए तो बोलो द आएगा कि नहीं आएगा? तो द मोहल्ला होगा, लेकिन द नेहरू विहार नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो इस कंसेप्ट को लिख लीजिए, नोट करके, NOT लिखिए। if the word is written itself in a sentence, article the is used. If the word is written itself in a sentence, article the is used. If the word is written itself in a sentence, article the is used. If the word is written itself in a sentence, article the is used. इसका मतलब क्या हुआ? यदि ये शब्द लिखे हो तो आर्टिकल द जरूर आता है। ये शब्द का मतलब क्या होगा? मोहल्ला, विलेज, कंट्री, स्टेट, एक दो एग्जांपल डाल दो, लिख लो। द गांधी बिहार इज डर्टी, द गांधी बिहार इज डर्टी, और द मोहल्ला इज डर्टी। द गांधी बिहार इज डर्टी और दूसरा द मोहल्ला इज डर्टी, द गांधी बिहार इज डर्टी, दूसरा द मोहल्ला इज डर्टी। बोलो विच वन इज राइट? द मोहल्ला इज डर्टी राइट होगा, और गांधी बिहार क्या होगा? गलत होगा। यानी गांधी बिहार इज द नेम ऑफ मोहल्ला, सो दैट आर्टिकल प्रयोग वहाँ पे नहीं करेंगे। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक? कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है वो समझिए। कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कहता है कि जैसे हमने कि सेंटेंस लिखा अगले कॉन्सेप्ट के लिए कि I can speak the English, right? दूसरा I can speak the English.
टू सेंटेंसेज यू हैव, आई कैन स्पीक द इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, और चौथा कर देता हूँ तीसरा, आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, जी यू ए जी, ठीक है बच्चे पढ़ लोगे, लैंग्वेज एल एन, फिर से लिखता हूँ साफ, ठीक है, तो आई कैन स्पीक द इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, कितने हो गए 10। अब जब उठाओ हाथ, फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो ध्यान देना बच्चे, पहला एग्जांपल तुम्हारा गलत है, लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता, पता है क्यों नहीं आता, बताता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश राइट है, आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज राइट है, ये दो एग्जांपल राइट है, ऊपर गलत है, क्यों भाई, क्या वजह हो गया, ध्यान दो, अब देखो इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज द नेम ऑफ लैंग्वेज, और इंग्लिश वर्ड का मतलब अंग्रेज, द लगाने से बन गया अंग्रेज, तो आई कैन स्पीक अंग्रेज, आई कैन स्पीक अंग्रेज, गलत हो गया ना, क्योंकि लैंग्वेज के नाम के पहले द लगाते हैं तो उसकी जाति बता देता है, तो आई कैन स्पीक द इंग्लिश अंग्रेज हो गया, आई कैन स्पीक अंग्रेजी, अंग्रेजी हो गया, आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, अब लैंग्वेज वर्ड जोड़ दिया तो अब अंग्रेज नहीं हुए, इंग्लिश लैंग्वेज एक वर्ड हो गया, यानी नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे उसमें, बट इफ द लैंग्वेज वर्ड इज रिटन इट सेल्फ इन अ सेंटेंस, आर्टिकल द इज यूज्ड, अगर लैंग्वेज वर्ड लिखा हो ना तो द आएगा, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज का नाम हो ना तो आर्टिकल नहीं आएगा, एंड नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, बट आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज when the word language is written itself in a sentence, यानी यहाँ पे language word लिखा हो ना तो द का प्रयोग हो सकता है, ये बात समझ आया, यानी इंग्लिश के पहले आर्टिकल नहीं आएगा लेकिन लैंग्वेज आया तो द आएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, है ना जी, एक क्वेश्चन है ऐसा कि द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, अब बोलो कौन बोला था, हटाऊं, यहाँ भी द इंग्लिश है, यहाँ भी द इंग्लिश है, पहला वाला क्या अंतिम वाला, अब बोलते हैं द इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेज, तो अंग्रेज इज द लैंग्वेज ऑफ, अगर ये हटाते हैं तो अंग्रेजी, तो अंग्रेज भाषा नहीं ना है, यानी कि लास्ट वाला द रहेगा और पहला वाला द कटेगा, यानी अंग्रेजी इज द लैंग्वेज ऑफ अंग्रेज, अंग्रेजी इंग्लिश इज द लैंग्वेज, अंग्रेजी एक भाषा है ऑफ द अंग्रेज, यानी अंग्रेजों का, अब सही हो गया ना, सुना है बच्चे, तो इस बीच में ब्रेक आया कि नहीं, देखो यहाँ पे ब्रेक है, इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ बोल रहे हैं अंग्रेजी एक लैंग्वेज, तो अंग्रेजी एक भाषा ना है, यहाँ पे अगर बोलते इंग्लिश लैंग्वेज तो एक शब्द हो जाता, ये हमने बोला इसको बना दिया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये अदर वर्ड, तो हो गया इंग्लिश इज मतलब अंग्रेजी है, अगर इज नहीं होता तो होता द इंग्लिश लैंग्वेज, फिर सही हो जाता है ना, तो यहाँ पे इज लगा दिया इसलिए अंतर हो गया, ठीक है, तो अब इसको लिख लीजिए कॉन्सेप्ट को, हाँ सबका सबका हिंदी भी इसी में आएगा, आई कैन स्पीक द हिंदी गलत हो गया, आई कैन स्पीक द हिंदी गलत हो गया, आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज सही हो गया, लिखिए कॉन्सेप्ट लिखिए, नो आर्टिकल्स शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, नो आर्टिकल्स शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, नो आर्टिकल्स शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, No article should be used before the name of language. No article should be used before the name of language. Language के नाम के पहले article का प्रयोग नहीं करते. Example आपने देख लिया. कैसे नहीं करते? एक concept वो भी लिख लीजिए. Structure group में. यानी कि हम लोग the लगा सकते हैं. Article the is used before the article the is before the name of.
लैंग्वेज व्हेन द वर्ड लैंग्वेज इज रिटन इटसेल्फ इन सेंटेंस, यानी द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज एल एन जी यू ए जी, जैसे द हिंदी गलत है लेकिन द हिंदी सही, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड दो तीन एग्जांपल रूल और बनेंगे आपके, कोई दिक्कत है समझने में? नहीं ना, मिटा दिया जाए कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट सेम कॉन्सेप्ट काम करे बच्चे, मैं सीधा आपको फैक्ट दे दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। बोल चाल में प्रयोग करते हैं, जैसे मान लो बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू होम, कि आई एम गोइंग माई होम इन द दिवाली, तो इन द दिवाली नहीं होगा, ध्यान देना, इन दिवाली। कोई भी फेस्टिवल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो आप इस चाहो तो लिख लो, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल मतलब पर्व त्यौहार के नाम के पहले आर्टिकल नहीं करते, जैसे द होली, द दिवाली, द होली बोलो या द दिवाली बोलो, द होली गलत होगा, ठीक है। लेकिन सेम कॉन्सेप्ट अगर हम फेस्टिवल के नाम के साथ, यानी द प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल प्लस फेस्टिवल करेंगे, यानी फेस्टिवल वर्ड नेम ऑफ फेस्टिवल और फेस्टिवल वर्ड लगा हो, तो फिर द का प्रयोग हो सकता है, जैसे द होली फेस्टिवल, ऐसा ही हो जाएगा। द होली गलत है, द होली गलत है और द होली फेस्टिवल सही। कोई बड़ा चीज है, द प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल प्लस फेस्टिवल, द होली फेस्टिवल सही होगा, द होली गलत होगा, द होली, द दिवाली, द दुर्गा पूजा सब गलत होगा, लेकिन द दुर्गा पूजा फेस्टिवल, द दिवाली फेस्टिवल राइट होगा। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक? इसी के जैसा एक कॉन्सेप्ट और है, वो समझ रखिए, वही फैक्ट दिमाग में फिट रखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी सीजन हो, नेम ऑफ सीजन, वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाते, लिख लो, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीजन, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीजन, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीजन, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीजन, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीजन। सीजन के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन फिर से वही बात कहूँगा, जैसे द प्लस नेम ऑफ सीजन प्लस सीजन, द प्लस नेम ऑफ सीजन प्लस सीजन, तो सही हो जाएगा। जैसे भाई द समर गलत है द समर सीजन सही है, द समर गलत है द समर सीजन सही है, द विंटर गलत है द विंटर सीजन सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल का जो है 15-20 मिनट का पार्ट, चूँकि हम लोग क्लास अभी लास्ट हो जाएगा, तो 15-20 मिनट क्लास बचा हुआ है, कल फिर मैं यहीं से इसको लाइव कर दूंगा और यहीं से हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे छोड़ना पड़ेगा मुझे, मैं कोशिश में था कि आज आर्टिकल पूरा फिनिश कर दें, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि समझाने का पार्ट भी करना है, सिखाने का पार्ट भी करना है, ठीक है बच्चे। चलिए फिर कल मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, कल फिर करेंगे इसको हम लोग, यहीं से लाइव कर दूंगा, यहीं से काम हो जाएगा।